विश्व की लगभग 10% जनसंख्या यानी कि 650 मिलियन लोग दिव्यांग हैं। इनमें अपंगता के बावजूद इतनी लगन होती है कि अपना नाम कर जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही दिव्यांगों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने कला के सहारे अपनी अपंगता को हरा दिया है और सारी दुनिया को दिखा दिया है कि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ हौसला चाहिए होता है। इन्हें देखकर किसी को भी हौसला मिल सकता है। हरदोई जनपद के आशा गांव निवासी नंदराम का जन्म से ही गर्दन के नीचे का शरीर पूरी तरीके से दिव्यांग है। वो पलट पलट कर अपनी दूरी को तय करते हैं, लेकिन नंदराम के हौसलों की उड़ान और जिंदगी जीने का जज्बा बड़े बड़ों को मात दे रहा है। 20 वर्षीय नंदराम किसी भी तस्वीर को देखकर उसे चार्ट पर मुंह में पेंसिल दबाकर हूबहू बना देते हैं। नंदराम कई महापुरुषों की तस्वीरें बना चुके हैं और हरदोई के सदर विधायक आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल की भी तस्वीर बनाकर उन्हें भेंट कर चुके हैं। उन्होंने मिशन मून के साथ एक ही चार्ट पर प्रधानमंत्री की भी तस्वीर उकेरी है। समाज सेवी सुहाना जैन व मीना टंडन ने नंदराम को सम्मानित किया है। नंदराम शरीर से भले ही दिव्यांग हो, लेकिन ईश्वर ने इनके अंदर बहुत ही अच्छी खूबी दी है। लोग हालातों से हार कर गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन हमें जरूरत है नंदराम से सीख लेने की। 100% दिव्यांग होने के बावजूद भी नंदराम में कुछ करने का जज्बा और हिम्मत है। ये सभी बातें हम सबको प्रेरणा और पॉजिटिव एनर्जी देती है। नंदराम ने बताया है कि उन्हें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रेरणा मिली है। जब से चंद्रयान चांद पर गया है, उसी को लेकर उन्होंने मिशन मून के साथ प्रधानमंत्री और राधा कृष्णन की तस्वीर कागज पर बनाई है। प्रधानमंत्री और डॉक्टर सर्वपल्ली से प्रेरणा मिली है और आज टीचर डे पर हमने उनकी ड्रॉइंग बनाई है और रॉकेट चंद्रमा की बनाई और 15 साल से मेरे को ड्रॉइंग बना रहे हैं। आज टीचर डे पर दीदी को दीदी मदद करती है समय समय पर और उनसे मुझे क्या नाम है